हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल रेकी फ्लेम्स। एंड हर गुरुवार की तरह मैं जिनिया हाजिर हूँ मेरे 3 पाइल ऑफ कार्ड और मेरे बाबा के साथ। आज थोड़ी सी जो चेंजेस है वो है, क्रिस्टल के जगह पे आप लोगों को कैंडल्स दिख रहे हैं। दीज आर ऑल स्पेल्ड कैंडल्स जो कि मैं खुद बनाती हूँ। तो आई थॉट कि फॉर अ चेंज, हर रोज़ बहुत स्टेल हो जाती है कभी कभी, एक ही पैटर्न की ये लेडी आती है तो एक ही तरीके की बातें करती है, इंट्रोडक्शन सेम रहती है, वही क्रिस्टल्स, वही कार्ड, पाइल ऑफ कार्ड्स। तो फॉर अ चेंज आई थॉट कि आज मैं क्रिस्टल के जगह, आई मीन क्रिस्टल्स को मैंने रिप्लेस किए हैं स्पेल्ड कैंडल्स के साथ। सो टाइम टू काम योर माइंड डाउन, दिमाग को शांत कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, दिमाग को शांत कर लीजिए एंड फील द रेजोनेंस। कौन से पाइल ऑफ कार्ड्स या फिर कौन से वाले कैंडल के साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हैं या फिर ड्रॉन फील कर रहे हैं, देन पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न ऑफ रीडिंग। मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किए हैं, यानी कि फर्स्ट पाइल सिलेक्ट किए हैं, उनके लिए पहला मैसेज है, लिव इन द प्रेजेंट, टुमारो इज अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। दिस इज योर कार्ड। ओके, सो सिंस यू हैव ड्रॉन दिस कार्ड, इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड पर्सन हैं। आप बहुत ज़्यादा कल के लिए सोचते हैं, कल क्या होगा, अगर आज ऐसा नहीं हुआ तो कल वैसा नहीं होगा। सो यू आर मोस्टली इंटू, यू आर मोस्टली वरीड अबाउट द फ्यूचर, यू आर मोस्टली इंटू द फ्यूचर। एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो आज की डेट है, जो आज जो ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो रहे हैं, उसको आप पूरी तरह से क्या बोलते हैं उसको आप पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाते, पूरी तरह से रिसीव नहीं कर पाते हैं। सो फॉर यू द मैसेज इज, टुमारो इज अ मिथ, इट इज ऑलवेज टुडे। तो कल एक ऑलमोस्ट हिंदी में बोले तो मिथ्या जैसी है, झूठ है, क्योंकि अगर कल सुबह हम लोगों की आँख ही ना खुले, भगवान ना करे, लेकिन कल सुबह अगर हम लोग उठ ही ना पाए, जाग ही ना पाए, कल की सवेरा अगर हम देख ही ना पाए, तो इतने सारे जो प्लानिंग्स, इतने सारे जो हमारे गोल्स जो हम लोग बना के रखते हैं, इतने सारे जो हम लोग फ्यूचर में जीने लग जाते हैं, वो सब बेकार हो जाती है। हमेशा की तरह बोलूँगी, प्लानिंग करना ख़राब नहीं है, बट बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाना और जो आज की दिन है, जो आज का पल है, उसको ओवरलुक कर जाना, वो भी अच्छा नहीं है। प्लानिंग ज़रूर कीजिए, वो बहुत नेसेसरी है, बट बिल्कुल फ्यूचर ओरिएंटेड मत हो जाइएगा कि आज तो सैक्रिफाइस कर लेते हैं, कल जिएंगे। थोड़ा आज जिए, जब कल का दिन आपकी आज बन जाएगी, फिर कल भी उस पल को आप जी लीजिएगा। ओके, सेकंड कार्ड फ्रॉम द फर्स्ट पाइल, इग्नोर, टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। दिस इज योर कार्ड। ओके, आपके लिए मैसेज ये है, सेकंड मैसेज ये है कि जो भी आपके पेन्स एंड हर्ट्स, यानी कि जो भी आपके दर्द, तकलीफें, दुविधाएं जो भी है, उसको आप, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो कॉन्शियस माइंड है, उसमें आप उसको जगह ना दें। आई एम सॉरी, मैं कॉन्शियस माइंड की, माइंड को ट्रांसलेट करके नहीं, अचेतन मन, सॉरी, चेतन जो मनस है आपकी, तो उसमें आप जो भी आपकी दुख, दुविधाएं, तकलीफें, संकोच जो भी है, उन सारी चीज़ों को आपकी जो चेतन मनस है, जो चेतन मन है, उसमें उन सारी चीज़ों को, जो लो फ्रिक्वेंसी एनर्जीज है, उनको जगह ना दे। क्यों ना दे? क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं तो आपको ये ऑलरेडी पता रहेगा, आप ज्ञात रहोगे कि हम जिस पैटर्न से सोचते हैं, हम जिस तरीके से सोचते हैं, उसी तरीके का रिजल्ट हम लोगों को मिलता है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता है, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली द वे वी थिंक, वी आर डिलीवर्ड द सेम टाइप ऑफ रिजल्ट। Whatever we think, whatever the message we send to the universe, that
पैटर्न ऑफ थॉट गेट्स मैनिफेस्टेड एज अ रिजल्ट एंड कम्स बैक टू अस। हम जिस प्रकार की ख्यालात दिमाग में रखते हैं, जिस प्रकार की सोच हम लोग दिमाग में रखते हैं, जो संदेश हम यूनिवर्स को भेजते हैं हमारे सोच के ज़रिए, वही चीज़ को यूनिवर्स मैनिफेस्ट करके हमको वापस देते हैं एक रिजल्ट पर, जो कि मतलब एज अ रिजल्ट हम लोगों को वही चीज़ परोसा जाता है, वही चीज़ वापस दी जाती है। इसीलिए बहुत टाइम आप ऐसे आपने देखे होंगे या फिर किसी से सुने होंगे कि एक लूप में चलता रहता है, कितना भी क्या कर रहा हूँ मैं, कितना भी कुछ कर रही हूँ मैं, फिर भी एक ही चीज़ बार बार रिपीट होके आ जाती है, सेम पैटर्न्स फॉलो हो जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो माइंडसेट है, हमारी जो थॉट प्रोसेस है, वो चेंज नहीं होती। तो इसीलिए, और ये सिर्फ बुरे कामों के लिए ही इस तरीके से काम नहीं करता है, अच्छे चीज़ों के लिए भी सेम मैनर में ही काम होती है। इसीलिए जो भी आपके अच्छे पल है, जो भी आपकी, ऐसा तो कभी नहीं होता है कि हमेशा ही सिर्फ खराब 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 टाइम रहती है ज़िंदगी में। कभी ना कभी आपको भी खुशी मिली, आपको भी अच्छा पल देखना नसीब हुआ। तो जो भी आपके गुड मेमोरीज है, जो भी आपके अच्छे पल है, उन सारे चीज़ों को जितना हो सके सोचने की कोशिश कीजिए, रिकलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, वही मेमोरीज को जो आपके अच्छे मेमोरीज है। ट्राई एंड रिकलेक्ट योर गुड मेमोरीज, हैप्पी मेमोरीज, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट इट अगेन एंड अगेन, रादर दैन थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव थिंग्स, अबाउट योर पेन, अबाउट योर हर्ट्स, अबाउट योर यू नो फेलियर्स। उन सारे चीज़ों पर ध्यान नहीं देके, उन सारे चीज़ों पर फोकस नहीं करके, जो भी आपके अच्छे पल है, उन सारी चीजों में फोकस करने की कोशिश कीजिए। थर्ड कार्ड फ्रॉम द फर्स्ट पाइल, धुनी। बर्न ऑल योर वरीज, फियर्स, एंगर, हर्ट्स, जेलसी एंड डिजीजेस इन माय धुनी। दिस इज योर कार्ड। ओके, सो दिस कार्ड इज ऑलमोस्ट लाइक अ रेमेडी इफ वी रिलेटेड टू द लास्ट कार्ड, दैट इज द सेकंड कार्ड। ये कार्ड को अगर अच्छी तरह से देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट एक रेमेडी कार्ड जैसा है। जैसे सेकंड कार्ड की जो रीडिंग रही है उससे अगर हम लोग रिलेट करें तो ये रेमेडी जैसी है। सो वेन एवर यू फील दीज लो फ्रिक्वेंसी एनर्जीज लाइक हर्ट्स, पेन्स, जेलसी, फेलियर्स एंड व्हाट एल्स वाज देयर, वरीज, फियर्स, एंगर, उसको जाके ऑल यू हैव टू डू इज बर्न इट इन बाबाज धुनी। नाउ बाबाज धुनी, whoever is a Sai devotee here is already aware of that, aware of the fact that Udi, Dhuni and Baba are believed to be the same. तो जो भी यहाँ पे साई बाबा के ऑलरेडी डिवोटी है उनको अच्छी तरह से पता है कि Dhuni, Udi और बाबा तीनों को एक ही माना जाता है। So if you are a Shirdi dweller, वल्ला, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जाओ द्वारका माई, खुल गया है मंदिर, जो भी आपके लो फ्रिक्वेंसी एनर्जीज है वहां पे जाके स्वाहा कर दो। स्वाहा का मतलब समर्पण कर देना, स्वाहा मतलब अब हवन करने नहीं बैठोगे कि स्वाहा करोगे। सो जो भी है सरेंडर कर देना, समर्पित हो जाना, समर्पण कर देना कि मेरी जो भी तकलीफें हैं, जो भी मेरी दुविधाएं हैं, जो भी मेरे जो भी मेंशन है यहाँ पे, गुस्सा, खुन्नस, दुख, तकलीफें, जो भी है ईर्ष्या, सब कुछ मैं आपके धुनी में समर्पित करके जाता हूँ या जाती हूँ। आगे आप मालिक हो, आप संभाल लीजिएगा। अभी जो लोग शिरडी में नहीं रहते हैं उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है बाबा के धुनी में जाके समर्पित करना, तो आप लोग बाबा को समर्पित कर दीजिए। जैसे कि मैंने कहा, धुनी, उदी, उदी यानी कि जो राख निकलती है बाबा की धुनी से, उसको ही हम लोग, जो भभूत निकलती है उसको ही हम लोग उदी कहते हैं। तो हम लोग मतलब सभी लोग उदी कहते हैं। तो बाबा के सामने जाके आप लोग समर्पित कर दीजिए, खुद को समर्पण कर दीजिए। जो भी आपकी लो फ्रिक्वेंसी एनर्जीज है सब कुछ बाबा पे निछावर कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। बाबा आगे आप संभाल लो। अगर आपके पास बाबा की फोटोज़ नहीं है, सभी को पता है बाबा कैसे दिखते हैं, एटलीस्ट मेरे कार्ड्स में दिख जाते हैं या मेरे वीडियो में दिख जाते हैं, तो जस्ट इमेजिन कर लीजिए बाबा को एंड सब कुछ समर्पित कर दीजिए। कभी भी ये नेसेसरी नहीं है कि आपको परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए आपको किसी मंदिर का ही सहारा लेना पड़ेगा या आपके घर में उनकी आइडॉल होना ही है। हमेशा याद रखिएगा, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। तो आप एनर्जेटिकली कभी भी कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो परमात्मा से हो, चाहे वो स्पिरिट रियल्म से हो, चाहे वो एंजल से हो। अगर आपकी एनर्जी क्लेंस्ड है, आप अगर फोकस्ड हो, आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज द रेमेडी।
Okay, now time for the second pile of card. जिन्होंने भी सेकंड पाइल सिलेक्ट किए हैं उनके लिए फर्स्ट कार्ड है सैडनेस एंड ग्लैडनेस. सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. ओके, बहुत सिंपल है. जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किए हैं, अगर अभी आप एक लो फेज में से जा रहे हैं या फिर एक ऐसी परिस्थिति में हैं जो आपके लिए बहुत सुखदायक नहीं है, तो आपके लिए मैसेज ये है कि सैडनेस एंड ग्लैडनेस टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. मतलब एक सिक्के की दो पहलुए है, दुख और सुख, और वो सिक्का जो है वो जिंदगी है. तो अगर आज टाइम थोड़ा सा खराब जा रहा है या थोड़ा सा लो फेज जा रही है, तो आप टेंशन मत ले. आपके लिए मैसेज यही है कि आप बहुत ज़्यादा सोच में मत डूब जाइए, बहुत ज़्यादा उदास मत हो जाइए. ऐसा कभी है नहीं कि आज अगर फेस थोड़ा लो है तो कल जाके वो ठीक नहीं होगा, वो ठीक ज़रूर होगा. और इस कार्ड को, इस मैसेज को आप एक क्या बोलूँ, एक बैकबोन की तरह लीजिए. एंड अगर अभी आप मायूस हो, उदास हो, तो मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैसेज ही यही है. आपको भरोसा देने के लिए ही ये मैसेज है. आपको आपके साथ खड़े रहने के लिए ये मैसेज है. बाबा आपके साथ है, उनकी आशीष आपके साथ है. तो आज अगर एक लो फेज जा रहा है, इसको एक कर्म का पार्ट समझ लीजिए. एक कुछ भी था रिजल्ट्स जो इवन स्टिवन करना था, तो आगे के दिन जो है वो अच्छे ज़रूर आएंगे. Second card from the second pile, Book of Life. Life may have a few bad chapters, but hope of good ones is bound to follow. Almost a similar card. बस इस कार्ड को मैं यही मान सकती हूँ कि जो लास्ट कार्ड हम लोगों ने रीड किए हैं उसी की एक्सटेंशन है. जो मैंने अभी बताया कि आज अगर लो फेज है तो कल अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं है. उसी को बस थोड़ा सा इलैबोरेटेड फॉर्म है उसी की. इस मैसेज में आपको बताया गया है कि जो जिंदगी की किताब है उसमें हर एक पन्ना सेम नहीं रहता है. जैसे हम लोग कोई नोवेल पढ़ते हैं या फिर, यानी कि उपन्यास कहते हैं शायद नोवेल को, हाँ उपन्यास पढ़ते हैं, या फिर कोई भी स्टोरी बुक, कोई भी कहानी की किताब पढ़ते हैं, या जो भी हम लोग पढ़ते हैं या कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, तो हर चीज़ सिमिलर उधर नहीं रहता है. अगर आप मूवीज़ भी देखोगे तो उसमें भी सीन्स तो सारे के सारे सेम नहीं रहते हैं, राइट? तो जैसे कि हर एक कहानी रहती है, ज़िंदगी की कहानी में भी वैसे ही ट्विस्ट्स आते रहते हैं. हर एक पन्ने में, हर एक चैप्टर में आपको सिमिलर स्टोरीज़ नहीं मिलने वाले हैं. तो अभी अगर आपकी ज़िंदगी की किताब में एक लो फेज वाली चैप्टर चल रही है, एक सैड वाली चैप्टर चल रही है, एक टेंस्ड वाली चैप्टर चल रही है, स्ट्रेस्ड वाली चैप्टर चल रही है, तो मायूस मत होइएगा. नेक्स्ट जो चैप्टर में आप जंप करने वाले हो, नेक्स्ट जो एपिसोड के बारे में आप जानने वाले हो, वो ज़रूर अच्छा रहेगा. थर्ड कार्ड फ्रॉम द सेकेंड पायर, डिवाइन टाइमिंग. डू नॉट बी डिस्टर्ब. इफ समथिंग इज मेंट फॉर यू, इट विल डेफिनेटली कम टू यू. सी, दिस इज जस्ट द आंसर. इस कार्ड को मैं पूरी तरह से आंसर के हिसाब से पकड़ सकती हूँ, रिलेट कर सकती हूँ. सो दिस इज योर आंसर. जो दो लास्ट कार्ड थे, मैं बहुत मतलब आश्चर्यचकित हूँ कि एकदम से सीरीज में आ गए पूरे. हाँ, और एक बता दूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं रहता है कौन से कार्ड में क्या है, क्योंकि मैं बस शफल करके तीन पाइल्स में डाल देती हूँ, कार्ड को रख स्प्रेड कर देती हूँ तीनों पाइल में, तीन तीन करके इच पाइल में. सो मुझे भी नहीं पता रहता है कौन से कार्ड में क्या है. जब मैं रीड करती हूँ आप लोगों के सामने, तभी जाके मुझे भी पता होता है. सो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली शॉक्ड हूँ कि ये ऑलमोस्ट लाइक आंसर दे, मतलब एक वन आफ्टर अनदर ऐसा था. ओके, सो द मैसेज, द लास्ट मैसेज इज डिवाइन टाइमिंग. यानी कि आप मायूस बिल्कुल ना होइए. जैसे ही आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी, वो ब्लेसड मोमेंट जैसे ही आएगा, सारी चीज़ें जो भी अभी आपको तकलीफ दे रही है, वट एवर इज डूइंग योर कंसर्न नाउ, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड अवे. सो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए. देखिए, एक कहावत है ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है. तो हम लोग कुछ भी कर ले, वक्त का इंतज़ार तो हम सभी को करना ही पड़ता है ना. तो उस वक्त के लिए इंतज़ार कीजिए, और दुखी होकर इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैसेज ऑलरेडी है. आप अकेले नहीं हो. ये चीज़ हमेशा जो कोई भी देख रहे, जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट नहीं किए हैं, उनके लिए भी कहना चाहूँगी,
जो कोई भी एक लोनलीनेस से गुजरते हैं या किसी को लगता है कि आपके साथ कोई खड़े नहीं है, ये चीज़ हमेशा जान के चलिएगा, मान के चलिएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, परमात्मा तो है ही, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे साथ ही चलते हैं। हम लोग एहसास नहीं कर पाते उस चीज़ की। ऐसे ब्लेसिंग्स हम लोगों को मिलती रहती है, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हम लोगों को मिलती रहती है। ज़रा खुद को ओपन रखोगे आप, ज़रा खुद को आप रिसेप्टिव रखोगे, तो आप लोगों को भी ये चीज़ समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हम लोगों को मिलती रहती है। जो भी हमारे एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज है, जो भी हमारे पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप्स है, वो लोग हमारे साथ यहाँ पे इनकार्नेट नहीं किए, लेकिन हमारे आसपास हमेशा रहते हैं। तो अगर जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किए, मैं उन पे आ जाती हूँ, उन लोगों पे आ जाती हूँ, हालांकि ये मैसेज जनरल था। तो अगर आपको लगता है कि ये जो जर्नी है आप तय नहीं कर पाओगे या फिर आप थक चुके हो, तो आपके लिए ये एक बकअप मैसेज था, ये पूरा जो पाइल रहा, कि आप अकेले नहीं हो, उदास मत होइए, मायूस मत होइए, बस एक फेज है, निकल जाएगा। कोई भी पल, कोई भी वक्त ठहरने के लिए नहीं आता है, हर पल वो पास ऑन होती रहती है। तो ये भी, अगर अगर जो कोई डिस्टर्बिंग घड़ी अभी चल रही है, तो वो भी जरूर गुजर जाएगा, जैसे वो डिवाइन टाइमिंग आएगी वो गुजर जाएगा। ओके, सो थर्ड पायल, फर्स्ट कार्ड फ्रॉम द थर्ड पायल, कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, फीड देम, दिस इज योर कार्ड। बहुत सिंपल सा मैसेज है, जिन्होंने भी थर्ड पाइल सिलेक्ट किए हैं और हाँ, इस कार्ड को ड्रॉ किए हैं, तो उनके लिए पहला मैसेज ये है कि जो भी बेजुबान जानवर है, उनके प्रति कंपैशन रखिए, काइंडनेस रखिए, दया प्रेम भाव रखिए उन लोगों के प्रति भी। अगर कोई ज़रूरतमंद बच्चा ऐसा दिखता है बेजुबान, चाहे वो चिड़िया हो, कौआ हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, गाय, भैंस, बकरे, जो भी हो, जो भी आपको दिखता है, आपके अटेंशन को जो भी ड्रॉ करते हैं, अगर ऐसा कोई दिख जाता है, उनको खिलाइए पिलाइए, जो भी उनको अगर कुछ इशू है, हेल्थ इशू है, कोशिश कीजिए उनकी मदद करने की, उनकी इलाज कराने की, जो भी आपसे बन पड़ता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनके लिए अलग से पकवान बनाइए घर पे, बट जो भी आपके लिए बनता है, एक दिन आप एक रोटी कम खा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोशिश कीजिए उन लोगों के साथ बांटने की, जो भी आपकी खुशियाँ हैं बांटने की कोशिश कीजिए, जितना आपको परमात्मा ने, जितना आप पर मेहरबान हुआ है, थोड़ी सी उसमें से उन लोगों के साथ भी शेयर करने की कोशिश कीजिए। और हाँ, हमेशा याद रखिएगा, चीज़ें बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं है। तो वो चाहे आप खाना बांटिए, प्यार बांटिए, जो भी आप बांटोगे उसके दुगने अमाउंट में आपको वो रिसीव होगा, आपको वो वापस मिलेगा। तो यही है, जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किए हैं, प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, और उन लोगों की भी एग्जिस्टेंस है ये मान के चलिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बस वो लोग है तो है, ऐसा नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट हम हैं उतना ही इम्पोर्टेंट वो लोग भी है। हर एक जीवन मैटर करता है, एवरी लाइफ मैटर्स। जो भी सांस लेते हैं उनके लिए उनकी एग्जिस्टेंस मैटर करती है। हाँ, मैं तो सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं बोलूँगी, जो पेड़ पौधे हैं, जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनके लिए भी बोलूँगी। अगर पेड़ पौधे हैं तो कहीं पे आपको कुछ मरता हुआ पौधा दिख रहा है, तो हो सके तो थोड़ा पानी डाल दीजिएगा। हर एक अच्छे कर्म की कुछ ना कुछ रिजल्ट तो है, जो हम लोगों को आज नहीं तो कल वापस मिल ही जाती है, किसी और रूप में सही, लेकिन मिल ज़रूर जाती है। सो दिस वॉज योर फर्स्ट मैसेज। सेकेंड कार्ड फ्रॉम द थर्ड पाइल, सर्विंग द नीडी, सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ। ओके, ऑलमोस्ट सिमिलर कार्ड है। इस कार्ड पे आपको बताया जा रहा है कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, पहला कार्ड था जो बेजुबान जानवर है उनकी मदद कीजिए, सेकंड कार्ड है जो भी इंसान हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, तो चैरिटी कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। डोनेट करना, डोनेट इन द सेंस हमेशा पैसे से ही नहीं की जाती है, चैरिटी सुनते ही हम लोगों के दिमाग में घंटी बज जाती है कि कहीं पे डोनेशन देना है, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो आपके जो कपड़े हैं, जो आप नहीं पहनते हो, सालों से अलमारी में ही बंद पड़े हुए हैं, वो जाके आप किसी एक ज़रूरतमंद को दे सकते हो। वंस अगेन, खाना तो दे ही सकते हो, एक दिन एक इंसान या दो इंसान या चार इंसान के लिए ज़्यादा खाना बना लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप वो एफर्ट कर सकते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा खाना बना लो, कुछ बेजुबान जानवरों को दे दो, क्योंकि सेम पाइल में ही दो मैसेज आए हैं, तो कुछ बेजुबान जानवरों को खिला दो, कुछ ज़रूरतमंद जो लोग जिनको नहीं मिलते हैं
उन लोगों को खिला दो, कोई एक अनाथ आश्रम चले जाओ, वृद्धाश्रम चले जाओ, किसी दिन वहाँ पे खाना डोनेट कर दो या कपड़े डोनेट कर दो, जैसा भी आपको ठीक लगे या आपकी पॉकेट को परमिट करता है। हर कोई एफर्ट नहीं कर पाते हैं, ये मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन जितना आपका बस चले। एक अगर रास्ते पे एक डॉगी है, एक कैट है, तो एक बिस्किट का पैकेट भी एटलीस्ट आप खिला सकते हो, थोड़ा पानी भी पिला सकते हो, कुछ भी, जो भी आपकी एक्ट ऑफ काइंडनेस है, जितना आपसे बन पाता है। आपसे नहीं कहा जा रहा है कि यू जस्ट पुश योर लिमिट, ऐसा नहीं है, जो भी आप कर पाते हो ज़रूरतमंद के लिए, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो। और सेंस दोनों ही आए हैं आपके पायल में, तो याद रखिएगा, जो भी आपको दिखे, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, मदद करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और वंस अगेन, जो आप करोगे आपके पास वो दुगनी रिटर्न आएगी, आना ही है ये चीज़। हर एक अच्छे कर्म का अच्छा फल ज़रूर मिलता है। थर्ड कार्ड फ्रॉम द थर्ड पाइल, सॉरी बाबा, थर्ड कार्ड फ्रॉम द थर्ड पाइल, वाउज एंड प्रोमिसेस, फुलफिल द वाउज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। ओके, दिस इज अ कार्ड। ओके, ये कार्ड आने का मतलब है, या तो आपने किसी से कोई वादा किया था, कोई कस्में या वादे कुछ तो थे जो आपने फेल किया है। जरा दिमाग पे जोर लगाइएगा और सोचने की कोशिश कीजिएगा कि हो सकता है कुछ यादों के पाइल के नीचे दब गया है जो आपको अभी याद नहीं रहा। थोड़ा कोशिश कीजिएगा सोचने का कि अगर आपने किसी से ऐसी कोई प्रोमिसेस की है जो आप पूरी नहीं कर पाए, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा वो पूरी करने का। क्योंकि एक जो रिएक्शन रहती है, हर एक एक्शन की एक रिएक्शन होती है ना, तो वैसे ही कर्म का भी वैसा ही, जैसे मैंने अभी कहा अच्छे कर्म के अच्छे फल भी मिलते हैं, वैसे ही जिस तरीके का काम रहेगा उस तरीके का फल ज़रूर भुगतना ही है हम सभी को। तो इसीलिए ज़रा सोच लीजिएगा एक बार कि आपने कोई वाउज या प्रोमिसेस किसी इंसान से या किसी जानवर से कभी कहीं पे किए हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जानवर लोग बात नहीं कर पाते हैं तो उनके साथ हमारी कम्युनिकेशन नहीं होती है, बिल्कुल होती है। एनर्जेटिकली हम लोग सभी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो लोग भी समझ सकते हैं। अगर आपके घर में कुत्ते या बिल्ली है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि वो लोग हमारी हर एक बात समझ पाते हैं। वो बात अलग है कि वो लोग कह नहीं पाते, जुबान से नहीं कह पाते, लेकिन आप भी रहते रहते समझने लग जाते हो कि वो लोग एग्जैक्टली क्या इशारा कर रहे, क्या बताने की कोशिश कर रहे। तो एग्जैक्टली वही है, किसी से भी आपने कुछ प्रॉमिस किया है, सोचने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा ज़रा याद कीजिएगा, कहीं पे आपने कुछ भी मन्नत किए हैं, या फिर कहीं पे किसी भगवान को, किसी भी रूप के देवता या देवी को आपने कुछ भी उनके पास मन्नत रखे थे, या उनको प्रॉमिस किए थे कि मेरा ये चीज़ हो जाने के बाद मैं आके ये करके जाऊंगा, या ये करके जाऊंगी, कुछ पूजा चढ़ा के जाऊंगा, पूजा चढ़ा के जाऊंगी। अगर वो आपसे रह गया या छूट गया है, तो प्लीज़ इमीडिएटली जाके उस चीज़ को आप पूरा कर लीजिएगा। और अगर इनमें से एक भी बात आपसे रिलेटेड नहीं है, तो ज़रा खोज लगाइए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए या बात कीजिए अपने घर वालों से। अगर आपके किसी घर वाले ने ऐसा कोई मन्नत कहीं पे करके रखा है, या फिर आपके घर वाले से कहीं कुछ भूल चूक हुई है, किसी को कुछ प्रॉमिसेस किए थे, शायद किसी की चीज़ उनके पास पड़ी है या आपके पास पड़ी है जो आप लौटाने वाले थे, आपने लौटा नहीं, या कहीं पे कुछ भी प्रॉमिसेस आपने ब्रेक किए हैं, तो प्लीज़ उस जो भी आपने किया है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी की चीज़ आपके पास है उनको लौटाइए, कहीं पर मन्नत कर रखे हैं तो उनको पूरा उसको पूरा कीजिए। किसी जानवर या इंसान को कहीं पे भी आपने कुछ वादा किया था, तो अगर आज के डेट में वो पॉसिबल है तो उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं है, वो लोग रहे नहीं, या फिर इस दुनिया में ही नहीं रहे, या फिर आप लोग की जगह बदल गई, आप लोग टच में नहीं हैं, तो जिस जगह पे अभी आप हो उस इंसान को या उस जानवर को याद करके हाथ जोड़ के उनसे सॉरी या माफी जरूर मांग लीजिएगा। सो वी आर डन विद ऑल द थ्री पाइल ऑफ कार्ड्स। अभी यस नो वाले कार्ड के लिए, आज यस नो वाले कार्ड के ऊपर आप लोगों को क्रिस्टल्स दिख जाएंगे। आज थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। ओके, सो कार्ड नंबर 1 के ऊपर मैंने एक रोज क्वार्ट्ज की एंजल रखे हैं, ऐसे रख देती हूँ, इफ इट वर्क्स। ओके, सेकंड जो कार्ड है उसके ऊपर मैंने एक क्लियर क्वार्ट्ज की एंजल रखे हैं। हैंग ऑन, हाँ। थर्ड जो कार्ड है उसके ऊपर मैंने एक सेलेनाइट की एंजल रखे हैं।
वंस अगेन तो आप लोगों को अगर लगता है कि वीडियो पॉज करना चाहिए देन पॉज द वीडियो, काम योर माइंड डाउन, फील द रेजोनेंस, कौन से वाले कार्ड या कौन से वाले एंजल के साथ या फिर क्रिस्टल के साथ आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं, ड्रॉन फील कर रहे हैं, एंड देन पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न ऑफ रीडिंग. अगर आप लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन सेट कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो वही ये प्रोसेस दोहरा लीजिए, पॉज करना वीडियो को, दिमाग को शांत करना एंड ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, मैं शुरू कर रही हूँ रीडिंग. जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड सिलेक्ट किए हैं उनके लिए मैसेज है, चूज अ न्यू डायरेक्शन. दिस इज योर कार्ड. ओके, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, आई डो नॉट नो योर क्वेश्चन, बट फॉर यू द मैसेज इज चूज अ न्यू डायरेक्शन. मतलब अगर आप कोई रिलेशनशिप के लिए जानना चाहते थे या फिर कोई जॉब या करियर के लिए जानना चाहते थे या कोई भी डिसीशन से रिलेटेड होगा अगर आपकी क्वेश्चन, तो आपके लिए आंसर है चूज अ न्यू डायरेक्शन. मैं मतलब आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जानना चाहते थे वो शायद नहीं, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, फिनेंस हो, जॉब हो, वट एवर इट मे बी. आपके लिए मैसेज है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कुछ नया डायरेक्शन देखिए, यानी कि जिस चीज़ के लिए अभी आप पूछ रहे हो वो सही नहीं रहेगा. ओके, सेकंड कार्ड. जिन्होंने भी सेकंड कार्ड सेलेक्ट किए हैं उनके लिए मैसेज है यस. वंस अगेन आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये येस कितना आपके लिए पॉजिटिव है, कितना आपके लिए नेगेटिव है. सिंस आई डू नॉट नो योर क्वेश्चन, बट ऑल दैट आई कैन से इज वट एवर द मैसेज यू आर रिसीविंग इज मेंट फॉर योर हाइस्ट गुड. जिन्होंने कार्ड वन सेलेक्ट किए थे उनके लिए भी सेम है. सॉरी, मैं बोलना भूल गई कि जो भी आपके मैसेज है वो अच्छा था बुरा था आपके लिए मुझे पता नहीं, बट वट एवर द मैसेज ईच एंड एवरी वन विल रिसीव हियर इज मेंट फॉर हिज और हर हाइस्ट गुड. तो अभी आप यू आर द बेस्ट पर्सन टू रिलेट और आइडेंटिफाई वेयर दिस यस फिट्स इन टू योर लाइफ एंड गो अकॉर्डिंगली. थर्ड कार्ड. जिन्होंने भी थर्ड कार्ड सिलेक्ट किया है यस गोज आंसर, इट्स अ नो. देन अगेन यू आर द बेस्ट पर्सन टू रिलेट और आइडेंटिफाई और जज दैट वेयर दिस नो फिट्स इन टू योर लाइफ. आपकी क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि ये नो आपके लिए अच्छा रहा कि थोड़ा सा मायूसी वाला रहा, वो आप ही तय कर पाओगे, क्योंकि आई डो नॉट नो योर क्वेश्चन. वंस अगेन वट एवर द मैसेज यू रिसीव्ड इज मेंट फॉर योर हाइस्ट गुड. तो इसीलिए मायूस नहीं होइएगा. जो लोग खुश हो रहे हैं वल्ला कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिन लोगों को थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ रहा है या फिर थोड़ा सा मुंह वो सैड वाला स्माइली जैसा हो जा रहा है, उनके लिए मैसेज है जो भी मैसेज आपको रिसीव हो रहा है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है. तो रादर देन फीलिंग सैड, कोशिश कीजिए कि जो चीज़ आपके लिए अच्छा होगा उस चीज़ को अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए, रादर देन बीइंग सैड फॉर वट एवर द मैसेज यू रिसीव्ड, अगर ये आपके लिए अच्छा वाला मैसेज नहीं रहा तो. ओके, सो वी आर डन विद ऑल द कार्ड्स नाउ. अभी बारी आपकी है. I have done my part and you already know your part if you are a regular follower of my channel. Agar video achhi lagi, if you're able to relate with a reading, if you resonate with a reading, if you really feel that the session was beneficial and worth, then please do not hesitate to hit the like button. Agar aapko ye session अच्छा लगा, आपको ये सेशन ऐसा लगा कि इसमें से आप कुछ मैसेज आपको सच में मिला, आप रेजोनेट कर पाए, रिलेट कर पाए, तो प्लीज़ बिना कोई झिझक के लाइक बटन को हिट ज़रूर कर दीजिएगा. एंड ऑल्सो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन दैट ऑलरेडी, एंड डू रिमेंबर टू स्विच ऑन द और टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल एज वेल, सो दैट एवरी टाइम आई अपलोड समथिंग न्यू रिलेटेड टू स्पेल्स, मैजिक, विचक्राफ्ट, अदर डेक्स एंड स्पिरिचुअलिटी, दैट रीचेज यू विदाउट अ हैसल. अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो याद से इस बार कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि जब कभी भी मैं नया कुछ वीडियो अपलोड करूँ, जो भी सब्जेक्ट मैंने अभी अभी मेंशन किया है उससे रिलेटेड जो भी मैं नया वीडियोस अपलोड करूँ वो बिना कोई दुविधा के आप तक पहुँच सके.
नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर सच में आपको अच्छा लगा एंड यू फील दिस वीडियो एंड दिस सेशन वॉज वर्थ, देन प्लीज डू लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बिकॉज मुझे भी अच्छा लगता है. आई टेक इट एज अ पार्ट ऑफ रेसिप्रोकेशन, लाइक जिस तरीके से मैं आ जाती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों का मैसेज लेकर के आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, ऐसा ही जब आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे भी वो एक रेसिप्रोकेशन सा फील होता है, एक मतलब एक रिश्ता सा जुड़ जाता है. लाइक वी आई टेक ऑल ऑफ यू एज माई एक्सटेंडेड फैमिली, तो एक बहुत प्यार का रिश्ता बन जाता है. तो अच्छा लगता है जब अपने कुछ अच्छे बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती अच्छा ही बोलना है, अगर कुछ अच्छा नहीं लगा वो भी आप बोल सकते हैं. एंड जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई सजेशन है, एडवाइस है मेरे लिए, मेक श्योर इट्स अ हेल्थी वन. अगर कोई हेल्थी सजेशन या एडवाइस है मेरे लिए, देन प्लीज़ फील फ्री टू पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज रिलेटेड टू स्पेल्स, मैजिक, विचक्राफ्ट, अदर कार्ड डेक्स एंड स्पिरिचुअलिटी, फील फ्री टू पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. एंड इफ़ यू फील दैट योर क्वेरी इज समवट वेरी पर्सनल, यू हैव माई इंस्टाग्राम आई डी अवेलेबल ऑन दिस वीडियो इट्सेल्फ, यू कैन इनबॉक्स मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. अगर आपकी जो भी क्वेरीज है, अगर आपको लगता है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है, आप ये कमेंट सेक्शन पे नहीं लिख सकते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम की जो आईडी है, इंस्टाग्राम हैंडल की जो आईडी है, वो आपको मेरे वीडियो में मिल जाते हैं. बेझिझक मुझको आप लोग इंस्टाग्राम में भी इनबॉक्स कर सकते हैं. एंड आप लोगों को अगर सच में क्वेस्ट है स्पिरिचुअलिटी के बारे में या विचक्राफ्ट के बारे में, अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं, इफ़ यू फील इट्स ओके, देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम में हर रोज़ कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ रिलेटेड टू ऑल काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऑल काइंड ऑफ माइथोलॉजी, सिर्फ इंडियन नहीं वेस्टर्न भी, बिकॉज सिंस आई एम अ सॉलिट्री विच, मैं सिर्फ कार्ड रीडर नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत लोग मुझको सिर्फ कार्ड रीडर के हिसाब से जानते हैं, आई एम अ सॉलिट्री विच, अ हीलर. And I do divination methods as well. मैं सिर्फ oracle card ही नहीं read करती हूँ, I'm a psychic reader as well. And मैं दूसरे भी जो runes हैं और दूसरे जितने भी divination methods है, runes है, pendulum reading है, मैं सब कुछ ही करती हूँ. So I'm a solitary witch basically. तो मैं बहुत सारे ऐसे informative posts upload करती रहती हूँ मेरे Instagram account में. तो अगर आप लोगों को वो quest है जानने की, तो आप लोग मुझे Instagram में भी follow कर सकते हैं. So this was all for today, my beautiful viewers. And मैं ज़ीनिया वापस हाजिर रहूँगी नेक्स्ट थर्सडे मेरे 3 पाइल ऑफ कार्ड, यस नो कार्ड और मेरे बाबा के साथ. तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए. ओम साईराम.